नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जो शक था वो सही साबित हुआ। क्या शक था? दरअसल उन्हें ये शक था कि जो दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, केंद्र सरकार उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकती है। नरेश कुमार इसी साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो नवंबर में इसी महीने ही पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लेकर कि केंद्र सरकार मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड कर सकती है। और उसी मामले पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आपको एक एक कर पूरी जानकारी देते हैं। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच को बताया कि केंद्र सरकार अगले चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होने तक मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। केंद्र की ओर से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध करते हुए पूछा कि केंद्र आखिर क्यों हायरार्की में टॉप 5 आईएएस अधिकारियों में से किसी को नहीं चुन रही है, क्यों केंद्र सिर्फ एक ही अधिकारी को बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि कानून की किस धारा के तहत वो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार का आधार क्या है। केंद्र सरकार अब 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों का जवाब देगी। दिल्ली सरकार को शक था कि केंद्र सरकार मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल रिटायरमेंट के बाद बढ़ा सकती है, जिस वजह से दिल्ली सरकार इस मामले को 10 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंच गई थी। तो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन बेंच ने केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे उनसे पूछा कि आखिर क्यों जो दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं आप उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं, कानून की किस धारा के तहत आप उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं, आधार क्या है उनका कार्यकाल बढ़ाने का। ये तमाम सवाल जो पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनका जवाब देने के लिए केंद्र के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है और अब 29 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी के मामले पर क्या फैसला करती है, क्योंकि देखिए फिलहाल अगर हम देखें तो इस मामले पर जिस तरीके से विवाद बढ़ा हुआ है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार नहीं चाहती है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को एक्सटेंशन मिले, वहीं केंद्र सरकार चाहती है कि जब तक नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं होती उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, देखना होगा कि 29 नवंबर को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो फिर क्या फैसला होता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।